जयपुर के बिंदायका थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ अपराधियों ने घर में घुसकर महिलाओं, पुरुषों और बच्चों पर हमला किया। आपको बता दें, ये घटना 11 मार्च को हुई थी और इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। मामले में जिन आरोपियों पर नामजद आरोप लगाए गए, वे सभी आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पुलिस प्रशासन अपराधियों के साथ मिलीभगत कर रहा है, जिसके कारण अब तक दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार ने बिंदायका थाने पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। महिलाएं और पुरुष शांतिपूर्ण तरीके से पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पुलिस उचित कार्रवाई नहीं करती, वे अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। लेकिन इस धरने प्रदर्शन के दौरान हद तो तब हुई जब रात को धरने पर बैठी महिलाओं के साथ ACP के द्वारा बदसलूकी की गई। रात को थाने पर कोई महिला कर्मचारी भी मौजूद नहीं मिली। पुलिस प्रशासन की इस उदासीनता ने पीड़ित परिवारों को न्याय के लिए संघर्ष और कड़ा करने पर मजबूर कर दिया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि धरने पर बैठा पीड़ित परिवार रक्षाबंधन थाने पर ही मनाएगा। पीड़ित परिवार धरने को तब तक नहीं समाप्त करेगा जब तक नाम दर्ज मुख्य आरोपी लादूराम देगंदा, महेंद्र देगड़ा, राकेश देगड़ा, जयदीप देगड़ा, दीनू देगड़ा, रामेश्वर शर्मा, शंकर शर्मा सभी को गिरफ्तार नहीं किया जाता।